मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। बॉलीवुड के इस एक्टर के साथ काम करने को बेताब है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे इन दिनों अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो की शूटिंग में बिजी हैं। एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने बताया कि वो ईशान खट्टर के साथ तब से ही काम करना चाहती थी जब से उन्होंने ईशान को फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स में देखा था। मैं आशा करती हूँ कि काम करने की उनकी एनर्जी मेरे अंदर भी नजर आएगी। वो काफी प्रतिभाशाली एक्टर हैं, हम दोनों ही काफी यंग हैं और यंग एनर्जी के साथ ही काम करना काफी शानदार होगा। इसके अलावा अनन्या पांडे ने फिल्म खाली पीढ़ी की शूटिंग को लेकर भी कई बातें की। अनन्या पांडे ने बताया कि उन्होंने मुंबई में ही कई जगहों पर शूटिंग की है। उन्होंने कहा, अगर आप दो क्रेजी बच्चों को गलियों में टैक्सी चलाते देखेंगे तो खुद जान जाएंगे कि वो हम ही हैं। आमिर खान और करीना कपूर ने बारिश में दिया स्क्रीन टेस्ट। कुछ समय पहले ही आमिर खान और करीना कपूर खान को मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया था। ये दोनों स्टार्स अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए एक साथ पहुंचे थे। इस दौरान आमिर खान का फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लुक देखने को मिला। इस लुक के लिए आमिर खान ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। इसके साथ ही आमिर ने अपना 20 किलो वजन भी बढ़ाया है। आमिर खान और करीना कपूर खान को ही बारिश के बीच स्पॉट किया गया। दोनों ही सितारे अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए स्क्रीन टेस्ट देने पहुंचे थे। स्क्रीन टेस्ट देने के लिए दोनों ही सितारों ने बारिश की भी परवाह नहीं की। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा स्पोर्ट्स ओनर अवार्ड में पहुंची। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में मुंबई में हुए स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड्स में बेहद खूबसूरत अंदाज में शिरकत की। प्रियंका ने इस इवेंट के लिए सेरेटोरियल लुक को चुना। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा भी उनके साथ इस इवेंट में शिरकत करने के लिए पहुंची। स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड्स में शिरकत करने के लिए अभिनेता पार शक्ति खुराना भी पहुंचे। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी शिरकत की। इस तस्वीर में आप पूर्व क्रिकेटर जहीर खान और उनकी एक्ट्रेस वाइफ सागरिका घटके को भी देख सकते हैं। चर्चा में है करीना कपूर का स्नेक चोकर, लग्जरी कार से ज्यादा है कीमत। करीना कपूर डांस इंडिया डांस के फिनाले की जज हैं। सेट पर करीना कपूर के फैशन ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा करीना का गले में पहना हुआ चोकर। करीना ने क्लासिक डायमंड का सरपेंट चोकर पहना हुआ था। करीना के सरपेंट चोकर की कीमत किसी लग्जरी गाड़ी से भी ज्यादा है। खबरों के मुताबिक इस नेक पीस की कीमत 38 लाख रुपए है। करीना कपूर का यह नेक पीस लुक में बेहद कमाल है और पूरी इंडस्ट्री में उनके इस नेक पीस की चर्चा हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बलून स्लीव वाला बॉडी हगिंग गाउन पहना हुआ था। ट्रांसपेरेंट हील्स के साथ मिडिल पार्टीशन वाले हेयर में करीना का लुक बिल्कुल अलग था। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने 21 सितंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। उन्होंने पटौदी पैलेस में सैफ अली खान और फैमिली के अन्य लोगों के साथ केक काटकर अपना बर्थडे मनाया। फिल्म हाउसफुल 4 के ट्रेलर लॉन्च में राजहरानी बने स्टार्स। फिल्म हाउसफुल 4 लोगों को हंसाने के लिए तैयार है। 27 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के सभी स्टार्स ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए। इवेंट में सभी स्टार्स उन्हीं आउटफिट्स में दिखे जो उन्होंने फिल्म में अपने पूर्व जन्म वाले कैरेक्टर्स के लिए पहने हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी स्पेशल अपीयरेंस करने जा रहे हैं। फिल्म में एक्ट्रेस कृति सैनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े भी शानदार लग रही हैं। वेस्टर्न लुक के बाद एक्ट्रेसेस का ट्रेडिशनल अवतार बेहतरीन है। इस बार फिल्म को पूर्व जन्म से जोड़ा गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार को अपने पूर्व जन्म की बातों को याद करते हुए दिखाया गया है। कहानी के मुताबिक अक्षय कुमार लंदन में रहने वाले हैं जो 600 साल पहले राजकुमार थे। फिल्म में रितेश देशमुख की बढ़िया कॉमेडी देखी जा सकती है। इस फिल्म में रितेश ने पूर्व जन्म में एक नर्तकी का किरदार निभाया है। उनका ये रोल बेहद मजेदार है। बॉबी देओल भी डिफरेंट लुक में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में चंकी पांडे, जॉनी लीवर, राणा दग्गुबाति और रणजीत कौर भी नजर आएंगे। हाउसफुल 4 दर्शकों को कितना हंसा पाएगी ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बॉलीवुड के दिल फेक आशिक है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से डेब्यू किया था। सोनम कपूर की भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म से ही दोनों के रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी थी लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। साल 2007 में रणबीर और दीपिका पादुकोण के अफेयर के चर्चे फैल गए थे। अवार्ड फंक्शन से लेकर हर पार्टी में दोनों को साथ देखा जाता था। कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ ने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से ही दोनों करीब आ गए लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इस लिस्ट में एक्ट्रेस श्रुति हसन का भी नाम शामिल है।
रणबीर और श्रुति की मुलाकात एक ब्रांड के एड शूट के दौरान हुई थी। दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। रणबीर और अवंतिका ने साथ में पढ़ाई की है। एक समय में रणबीर और अवंतिका के रिलेशन के खूब चर्चे थे, लेकिन रणबीर के बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। रणबीर का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान से भी जुड़ चुका है। खबरें थी कि रणबीर माहिरा के साथ न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने गए थे। बॉलीवुड का सबसे चहेता क्रांतिकारी भगत सिंह, मनोज कुमार से लेकर अजय देवगन तक ने निभाया किरदार। आज भारत की आजादी के संघर्ष के हीरो भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह के किरदार को बॉलीवुड में भी कई अभिनेताओं ने निभाया है। 1954 में फिल्म शहीद आजाद भगत सिंह में सबसे पहले प्रेम अदीप भगत सिंह बने थे। भगत सिंह पर बनी पहली फिल्म के 9 साल बाद शमी कपूर भगत सिंह के किरदार में नजर आए थे। 1963 में आई फिल्म शहीद भगत सिंह में शमी कपूर लीड रोल में थे। साल 1965 में आई फिल्म शहीद में मनोज कुमार ने क्रांतिकारी भगत सिंह का किरदार निभाया था। साल 2002 में सोनू सूद की फिल्म शहीद आजम रिलीज हुई। साल 2002 में ही द लेजेंड भगत सिंह सिनेमाघरों में लगी थी। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का रोल निभाया था। 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती में साउथ के एक्टर सिद्धार्थ ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म में आमिर खान भी थे। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।